जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी में। आज हम आपको गर्ल्स की हाइट नाप के दिखा रहे हैं। कुछ गर्ल्स हैं हमारे पास जो कि आर्मी की हैं, कुछ है दिल्ली पुलिस की हैं। तो क्या होता है कि आर्मी में पहले क्या था कि हाइट 1.42 हो गई थी, इसके बाद जब सेकेंड नोटिफिकेशन आया तो उसमें आपकी हाइट टोटल 1.57 कर दी गई। ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब जितनी भी होती हैं, चाहे वो UPP हो, UPP में क्या होता है कि 152 लेते हैं, लेकिन आपकी जो दिल्ली पुलिस हो गई, आपके SSC GD हो गई, इनमें है तो आपकी टोटल 157 लंबाई लेते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि गर्ल्स किस तरह से हाइट नपवानी चाहिए और किस तरह से खड़े होने से आपकी हाइट में 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाता है। तो आइए हम आपको लाइव आपको दिखाते हैं। आओ 157 जिसकी थी, आ जाओ। हमेशा क्या करते हैं कि जब भी आप हाइट नपाने जाएं तो वहाँ पे आपको इस तरह से खड़े होना होता है, जिससे क्या होगा कि आपका जो पिछला हिस्सा होता है वो हमेशा ऊपर उठा रहेगा और जब भी ये नापने वाला जब हम रखेंगे तो वो पीछे की तरफ ही आएगा। अगर आपने ज़रा भी इस तरह से ऐसे कर दिया तो ये जो हिस्सा होता है यहाँ आ जाएगा, जिससे आपका 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम हो जाती है। तो जब भी आप हाइट नपाने जाएँ तो हमेशा इस तरह से रखें। 160.5, गुड, निकल जाओ उधर, उसे घूम के निकल जाओ। हाँ एक मिनट, बंद करो। हाँ सीधे खड़ी हुई, एकदम बॉडी टाइट करके, बिल्कुल हैं आगे एक तरफ इसको झुकाओ हल्का। 156 जाओ, निकल जाओ, नेक्स्ट आ पाओ। 153, ठीक आप आ जाओ। 157, बिल्कुल राइट। 153, और टाइट करके खड़े हो। 164.5, 164.5, हाँ आगे एक तरफ करो। 158, 160, गुड, ठीक है फिट हो। और कोई रह गया हैं, तुम्हारी हो गई थी, आ जाओ तुम भी आ जाओ। 156, आपने देखा सभी गर्ल्स की हमने आपको हाइट नाप के दिखाई है। तो जो खड़े होने का तरीका है, हमेशा आगे की तरफ झुका के रखें, जिससे आप कभी भी लंबाई पे अनफिट नहीं हो सकते हैं। वैसे क्या होगा अगर जरा भी आपने इस तरह से गर्दन कर ली या ऐसे कर ली तो इससे क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम हो जाएगी और आप अनफिट हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।